हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्विज डेज मैथमेटिक्स। दोस्तों, ये मेरा तीसरा पार्ट है फ्रैक्शन और परसेंटेज का। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं उसी बेस्ड, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, गलत गलत तरीके से बनाते हैं। तो प्लीज़ आप इसे सीखें, ये बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है किसी भी बैंक के एग्जाम के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए भी और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 11 क्वेश्चन लिया है और 11 क्वेश्चन को आप थोड़ा गौर से देखेंगे कि किस तरह से इसमें अप्रोच लगना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 72.75% ऑफ 960। अब 72.75% ऑफ 960 है तो इसे कुछ लोग क्या करते हैं, गलत तरीका से बनाने लग जाते हैं। 42.75 बाय 100 फिर इनटू 960, ये बहुत ही टफ हो जाता है। फिर आप इसमें गुना करें, भागा करें, बहुत सारा टाइम आपको इसमें लग जाता है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए कि ये आखिर हो क्या सकता है, तो ये हो सकता है ये 50% से नज़दीक है। गौर से देखो, 50% से ये कितना नज़दीक है। 50% से अगर उल्टा देखोगे तो 7.25% कम है। 50% से 7.25% कम है। ठीक है, अब 7.25% का तो परसेंटेज वैल्यू होता नहीं है, हो सकता है लेकिन हमने सीखा नहीं है। तो हमने सीखा है क्या, 6.25%। तो इसको हम लोग और भी थोड़ा छोटा कर ले, 6.25% माइनस 1%, ऐसा कर लिया। अब देखो ये फिर कितना आसान हो गया, 50% अगर 960 का निकालेंगे तो आधा कर लेंगे, आपको हो जाएगा 480। 50% 960 का, 900 का आधा 450 हो गया और 60 का आधा 30 हो गया, तो 450 और 30 दोनों मिलके 480 माइनस 6.25%। 6.25% का मतलब होता है 1/16। 1/16 अगर 960 का निकालेंगे, यहाँ मैं निकालता हूँ, 1/16 अगर 960 का निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं 16 × 60 960 हो जाता है। तो चलो ये 60 कम हो गया, 6.25% ऑफ 960 का आंसर कितना हो गया, 60। और 1% का मतलब हो गया 9.6, क्योंकि 10% 96 तो 1% कितना हो जाएगा, 9.6। अभी देखो ये कितना आसान हो गया, तो 480 में से 60 माइनस करें 420, 9 माइनस करें तो 411.6 माइनस करें तो 410.4। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शनल वैल्यू में तब्दील करने के लिए आता है, कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो ये मेरे लिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, 3 से 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड में तो 100% ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ 32% ऑफ 55, और जानते हैं इसे मैं 2 से 3 सेकंड में डायरेक्ट, आप लोग भी लिख सकते हैं 32% ऑफ 55, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। 32 × 55/100 करने का जरूरत तो एकदम नहीं है, वो मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। हाँ, वहाँ पे हम करेंगे 32/100 × 55, वहाँ पे करेंगे जहाँ 500 दिया हुआ है, तो 500 दिया हुआ है, 100 से 100 कट गया ना, ये 10 दिया हुआ है, 0 से 0 कट जाएगा, छोटा सा गुना आएगा तो हम उसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करना हमें। आपको पता होना चाहिए 32% 55 का निकाले, अगर आप मेरा पिछला सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारा वीडियो देखेंगे तो उसमें ये बात क्लियर से बताया गया। जिस तरह से 20% 200 का निकालते हैं, 20% ऑफ 200, सोचो थोड़ा,
तो 200 का 10% 20 और 20% 40, तो हो जाएगा 40। ठीक है, ये सेम होगा 200% ऑफ 20 के, 200% ऑफ 20 के, 100% ऑफ 20 20, 200% ऑफ 20 डबल 40। ठीक है, तो 32% ऑफ 55 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 55% ऑफ 32, 50% 32 का तो 16, 5% तो 1.6, आंसर हुआ 17.6। ठीक है, 50% 32 का 16, 50% 32 का 16, 5% तो एक जीरो कम है तो एक डिजिट पहले यहां डेसिमल रखो, दोनों मिलके 55%, दोनों मिलके 17.6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे। तो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ 24% 225 का, बस इसे भी हमें वैसे ही निकालना है। ठीक है, 225% 24 का बहुत ही आसान है, बिना पेन और पेपर का 225% निकालना है 24 का, दिमाग लगाओ, 200% 24 का तो डबल 48, 48, 200% 24 का 48 और 25% 24 का 1/4 ऑफ 24, 6, 48 और 6 को ऐड कर दोगे तो 54 हो गया ना, 225% ऑफ 24, क्या सब लिखेंगे, 200% प्लस 25%, 200% 24 का 48, 25% 24 का 1/6, 1/4 24 का 6, दोनों को ऐड करो, आंसर आया 54। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है 83.33% ऑफ 1296, 83.33%, पिछले पार्ट में हमने बताया था 5/6 क्या होता है, 5/6 याद अगर रखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं, 83.33% को हम लिख सकते हैं, ये है 100% में से 16.2/3% कम, तो 100% का मतलब 1 हो गया और 16.2/3% का मतलब 1/6, तो दोनों मिलकर के हो गया आपको 5/6 ऑफ 1296। अभी अगर काटे इसे तो 6 × 12 6 × 6 = 36, तो 5 को 216 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 5 = 80 और 5 × 2 मिलके हो गया 10, 1080। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर हमें दिमाग में रहता कि 83.33% को कैसे लिख लेना, तुरंत 5/6 लिख लेना था, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चौथा नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, पांचवें नंबर पे आते हैं हम लोग। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है 91.66%, यानी 91 2/3% ऑफ 2472। तो आप याद रख सकते हैं, पिछले पार्ट में भी हमने बताया था इसके बारे में, ये 100% से कितना कम है वही बात हम पता कर ले, चलो 100% से ये देखो 9 कम होता तो 91 होता, 2/3 और भी कम है, यानी 8.1/3% कम है, तो एक 100% का मतलब 1 और 8.1/3% का मतलब 1/12, तो 1 में से 1/12 को अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 11/12, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2472 से, 12 × 24 12×6 = 72 और आपका आंसर हो गया 11 × 22 = 66, 2266। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तो 7/8 होगा पक्का, 87.5% 7/8, 12.5% का ये 7 गुना है। ठीक है, या हम लोग इसको फिर भी ऐसे भी देख सकते हैं, 100% से ये कितना कम है तो 12.5% कम है, तो 1 में से 1/8 कम हो गया तो वो तो 7/8 ही होगा, तो 7/8 निकालना हमें किसका है, 2432 का। तो देखो कितना ये आसान होता जा रहा है, अगर हमें परसेंटेज वैल्यू पता है, तो 8 × 24 और 8 × 32,
तो 7 * 21 = 28 आंसर हो गया आपका 2128। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14.3% ऑफ 238। तो 14.3% का तो फ्रैक्शनल वैल्यू हमें पता नहीं है। हाँ, मेरा नजदीकी वैल्यू पता है 14.28% ऑफ 238, एकदम नजदीकी वैल्यू है। और जब एकदम नजदीकी वैल्यू है तो आपके ऑप्शन में थोड़ा सा का अंतर हो सकता है, एकदम पॉइंट में। ठीक है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1/7 और 238 का, तो 7 * 21 और 7 * 28 आंसर आपका हो गया 34। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44.44% ऑफ 936। तो याद कीजिए 44.44% कहां से आया था, 11.11% का ये 4 times, 11.11% का ये 4 times। और 11.11% कहां से आया, 1/9 इंटू 4, यानी 4/9 इंटू 936। खत्म, 9 * 9 = 36, तो हो गया आपको 416। याद रखिए 11.11% क्या हो जाएगा, 1/9। 9.09% क्या हो जाएगा, 1/11। इन दोनों ही चीजों को याद रखना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 45% ऑफ, ये देखो 2662 का 45% निकालना। ठीक है, हम लोग इसको बहुत तरह से निकाल सकते हैं। 45% का फ्रैक्शनल वैल्यू हमें कुछ भी जरूरी नहीं है, हम लोग चाहेंगे तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां देखो हम 2-3 अप्रोच आपको सिखा देते हैं। 45% है, 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब कितना होगा 1/20, तो 45% का मतलब क्या होगा, 9 गुना है ना, 9/20। 5% का मतलब कितना, 1/20, तो 45% का मतलब 9/20। चलो हम अभी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू से इसका इस्तेमाल करें तो 9/20 गुना हो गया 2662। 10 को छोड़ दो, 2 का इस्तेमाल करो तो 1331 हो गया ना ये। 10 को छोड़ दिए, 2 का इस्तेमाल किए काटने में तो 1331। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देख लो 9 * 1 = 9, 9 * 3 = 27, 9 * 3 = 27 + 2 = 29, 9 * 1 + 2 = 11। ओके, और नीचे में क्या है, 0, तो एक डिजिट पहले 0 रखो और आंसर लिखो। ये था एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच लिखा हुआ है 45% निकालना हमें 2662 का, तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 50% - 5%, तो 50% 2662 का हो जाएगा 1331। और 5% देख लो, एक डिजिट 0 कम हुआ तो यहीं पे लिख ले 133.1 कम करना पड़ेगा। तो कैसे कम करेंगे, वो भी हम स्पीड में कर सकते हैं, 131 घटा दो तो यहाँ पे क्या हो गया, 1200 हो गया। और 1200 में से 3.1 घटा दो तो 1197.9 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तीसरा भी अप्रोच हम लोग देख सकते हैं। देखो तीसरा भी अप्रोच देख लेते हैं। तीसरा अप्रोच देखो, इसका 2 उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 90% ऑफ, 2 इधर से निकाल लिए हैं तो 1331, खत्म हो गया ये। या तो 9 से गुना करके 10 से डिवाइड कर सकते हो 0 डेसिमल के रूप में, या क्या कर सकते हो, 100% तो ये है, 10% कम करना पड़ेगा। ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। 10% कम करेंगे तो क्या आएगा, 90%। तो 10% कम कैसे करेंगे, 133.10 कम करना पड़ेगा इससे, क्योंकि एक डिजिट डेसिमल कम करेंगे, आंसर आ जाएगा 1197.9। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
दसवें नंबर का 42.84% निकालना हमें 245 का, तो 42.84% याद करो कहां से आया, 14.28% बराबर 1/7, इसी का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 42.84% 3 गुना होगा तो 3/7 होगा ना, तो 3/7 अभी देखो कितना ये आसान हो गया 245 का, 3/7 गुना 245, तो 7 तिया 21 7 पचे 35, तो ये आपको कितना हो गया 35 तिया 105, आंसर हुआ आपका 105। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87.5% 1432 का, तो 87.5% अगर 1432 का निकाले तो 87.5% के बारे में हमने आपको बताया था क्या, 7/8 1432, चलो अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस 91.2/3%, ये बार बार आ चुका है, 1 में से 1/8 कम यानी 1/12 कम, 1 में से 1/12 कम, तो 1 में से 1/12 अगर कम कर दिए तो 11/12 हो गया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना, 1236 से। ठीक है, ये है आपको 108.3%, तो 100 में 8.3% अधिक, तो 1 प्लस 1 बाई 12 कितना हो जाएगा, 13 बाई 12, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2508 से। बस देखो ये कितना आसान हो गया, अभी हम बहुत ही आसानी से इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं, तो 8 इकाई 8, 6 बच गया आपको, 8 सत्ते 56, 7 बच गया, 8 नवे 72, 17 सत्ते 119 यानी 1190, 9 सत्ते 63, तो 1190 में अगर 63 को ऐड करोगे तो 1253 आएगा। ठीक है, 9 सत्ते 63, 7 सत्ते 49, 6 55, 5 7 इकाई 7 5 12, एक तो ऐसे, दूसरा 17 सत्ते 119, 10 रखो तो 1190 और 7 नवे 63, तो दोनों मिलकर के हो गया 1253। ठीक है, प्लस 12 इकाई 12 12 तिया 36, तो 11 तिया 33, तो हो गया आपको कितना, 1133। प्लस 12 दुनी 24 और 12 नवे 108। ठीक है, 13 दुनी 2600, 13 नवे 117, तो 2717। ठीक है, 13 दुनी 2600 और 13 गुना 9 117, तो 2600 में अगर 117 को ऐड करेंगे तो 2717 होगा। अब इस तीनों को ऐड कर लेना है, इस तीनों को भी ऐड कैसे करते हैं उन बातों को भी आप समझिए। ठीक है, देखिए ये 33 में अगर 17 ऐड कर दिया जाए तो 50, ठीक है 50, यहां का 50 उठा लो 100, तो ये तीन भी मिलकर के 103 हो गया, 103 अलग लिख दिया। ठीक है, अभी देखो ये क्या सब हो गया, 12 और 11 मिलेगा तो हो जाएगा आपको 23, और 23 में अगर 27 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50, तो 50 100 यानी 5103। ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया, 5103। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, ध्यान देंगे आप लोग बात को। साढ़े 87% का मतलब 7/8, ठीक है, 91.2/3% का मतलब 91.2/3% का मतलब 11/12, ठीक है, कहां से आया 11/12, 91.2/3%, 100% माइनस 8.1/3%, तो 100% का मतलब 1 हुआ और 8.1/3% का मतलब 1/12 हुआ, तो 1 में से 1/12 अगर माइनस होगा तो 11/12 आएगा ना। प्लस
108 पूर्णांक 1/3, हम लोग इसको लिख सकते हैं 108 पूर्णांक 1/3 को 100% प्लस 8 पूर्णांक 1/3%। अब 100% का मतलब 1 हो गया और 8 पूर्णांक 1/3% का मतलब 1/12 यानी 13/12। तो 13/12 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2508 से। अब बस सॉल्व करना था इसे। कैसे सॉल्व किए? 8 इकाई 8, 6 बच गया, 8 सते 56, 7 बच गया, 8 नमे 72। तो 179 को 7 से मल्टीप्लाई करना। हम 180 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम सीधा भी कर सकते हैं, 17 सते 119, तो 1190 और 9 सते 63। 63 प्लस 12 इकाई 12, 12 तीय 36, 1133, 12 दुनी 24, 12 नमे 108, 13 दुनी 26, 13 नमे 117, तो 2717। ऐड कैसे करना है ये हम बार बार बता रहे हैं आपको, ऐड कैसे करना है बार बार बता रहे हैं कैसे। ये दोनों तभी ऐड था, तो चलो 1253। देखो गौर से, 53 उठा लो, 17 उठा लो, 53 उठा लो, 17 उठा लो, या 33 उठा लो, 17 उठा लो, 33 17 ऐड करोगे 50, इसका भी 50, तो 50 50, 100 यानी 103, 3 है यहाँ पे। अभी 1200 1100 2300 2700 5000 5500 यानी 5000, और आंसर हो गया 5103। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना मत भूलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए। तीनों पार्ट को देखिए, पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और ये तीसरा पार्ट, इस तीनों ही पार्ट को देखिए। अगर इस तीनों को आप समझ जाते हैं तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन का भी क्वेश्चन, वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसे समझ लेते हैं। तो जो दोस्त आजकल जुड़े हैं वो कृपया मेरे चैनल में जाएंगे प्लेलिस्ट में। देखिए प्लेलिस्ट में जब जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया हुआ, आप सबसे पहले अपना बेसिक कैलकुलेशन उसमें देख ले कि बेसिक कैलकुलेशन मेरा मजबूत है तो फिर नहीं भी देख सकते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन के बाद आइए सिंप्लीफिकेशन पे, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, वो देख लीजिए। आने वाले IBPS क्लर्क में भी, आने वाले IBPS PO में भी, PO तो हो चुका है आपका, तो ये हमेशा किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा हथियार का काम करता है। तो आप प्लीज़ सिंप्लीफिकेशन के सारे वीडियो देखें, एक एक करके सारे वीडियो को देखें और सारे का अप्रोच को समझिए। और जब सारे अप्रोच को आप समझ जाते हैं तो उसको कोशिश करें कि किस तरह से ये हमसे हो पाएगा। हो सकता है नया नया चीज़ है वो आपको समझ में नहीं आए, समझ में तो आ जाएगा बट लगेगा कि अचानक से कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो क्या टेक्निक होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, वो उसमें बताया गया है। एक दिन में कोई भी सब कुछ नहीं सीख सकता है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते ही सब कुछ होता है। आप अगर प्रैक्टिस कर लिए 500-600 क्वेश्चन का सिर्फ प्रैक्टिस कर लिए तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।